हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक कक्षा में। बच्चों, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना था कि किस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्बिटल की, ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तब। ठीक है, लेकिन उससे पहले एनर्जी के बारे में भी जान लो हम, क्योंकि हमने 3 प्रिंसिपल के बारे में जो बात करी थी वो भी यहाँ पे याद होनी चाहिए आप लोगों को। तो जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे पुराना तरीका जो हमारा था, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p और 5s। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों सेम है तो 1s, ठीक है, 1s तो एक ही है तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, 2s 2p ठीक है और 3p और 4p, अगर इनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सॉरी, टू, जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होते हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। तो 1s और 2p इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो सेम होगी, क्योंकि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेम है। ठीक है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल कैसे भरा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हमको एग्जांपल लेते हैं, किस चीज़ का लिया जाए, सल्फर ले लो। ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना। अब पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों करोगे तो क्या आएगा, 1s 2 2s 2 2p 6, पब्लिक स्कूल, ठीक है, 1s 2 2s 2 2p 3s 3p 4s, तो 6 4 10 हो गया, 10 और 2 12 12 और 4 16, 16 होता है एटॉमिक नंबर सल्फर का। तो यहाँ तक हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उस केस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो सारे ऑर्बिटल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करो, आउटर मोस्ट के दोनों ऑर्बिटल ले लो, 3s और 3p, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक s ऑर्बिटल बनाएंगे इस तरीके से, और p में हमारे कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस होंगे, 3, क्योंकि हमने ये बताया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 3s और यहाँ पे 3p। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। देन p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। अब मैं पहले एक एक को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रूल और था, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्या है, हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग, जब तक सबको एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग पेयरिंग नहीं कर सकते। तो सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर 4 इलेक्ट्रॉन है तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी की। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी आपका एटम है वो स्टेबल जब होगा, या तो वो पूरी तरीके से फुली फिल्ड हो, या तो वो फुली फिल्ड हो, यानी कि जैसे S है वो पूरा भरा हो, दोनों इलेक्ट्रॉन हो, या जैसे P है, P में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होने चाहिए, तो 6 हो, या तो हाफ फिल्ड हो, या तो फुली फिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो, दोनों केसेस में क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर हाफ से एक ज़्यादा हो जाता है, मीन्स 4 हो गया, 5 हो गया, तो वो अनस्टेबल माना जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी थोड़ी सी उसकी डिक्रीज हो जाती है, ये हम कह सकते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए कभी भी अगर हमें बात आती है तो फुली फील्ड होना चाहिए या फिर के हाफ फील्ड होना चाहिए। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स लेके आप लोग समझ सकते हो, जैसे कॉपर वगैरह है, ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 और 2 20 और 9 29, 29 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ तक। ओके, अब देखो 29, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4s ऑर्बिटल बनाना है और यहाँ पे 3d बनेगा, और d में कितने होंगे बच्चों, 5 बॉक्सेस होंगे, कितने होंगे, 5, ठीक है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है,
थ्री डी में कितने हैं? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर। तो ये भी क्या है, ये भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, लेकिन जब आप जिंक का करोगे तो जिंक जो होगा वो क्या होगा, पूरी तरीके से स्टेबल होगा। एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो यहाँ पे 3D जो होगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है, और 4S 2। अब देखो 3D 10 हो गया, तो जब हम लोग भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो ऑर्बिटल है हमारा D वाला, वो पूरा का पूरा भर जाएगा, ठीक है। जब पूरा का पूरा भर गया यानी कि ये स्टेबल है, और इसीलिए स्टेबल भी है तो नॉन रिएक्टिव भी होता है, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही लेस रिएक्ट करेगा किसी के साथ अगर करता है तो। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो इसी में एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, वो क्या है, कभी कभी हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करते हैं, उस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना अगर आ जाए एग्ज़ाम में। तो जैसे 2, 2, 4, 6, 4, 10, 2, 12 और 6, 18, इतनी लंबी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जगह पे मैं सीधा क्या लिख दूँ, आर्गन लिख दूँ, क्योंकि आर्गन का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा आर्गन की तो इतना आएगा, और फिर डायरेक्टली लिख दो 4s2 और 3d9 कॉपर के लिए, ख़त्म, ठीक है। ये तरीका भी आप लोग अपना सकते हो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। तो अगर आपको अब कभी भी आए इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, तो आप लोग उसे बहुत ही आसानी से हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।